हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर फॉर रूबीज टाइम प्लेस। और मैं हूँ रूबी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल का टूर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना ज्यादा बातें किए वीडियो को करते हैं शुरू। और तो ये है मेरा बाहर से ड्रेसिंग टेबल, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा है। बाहर से कुछ भी डेकोरेशन वगैरह नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो फिर ये ऑन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है। तो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को ऊपर का सेक्शन दिखाती हूँ जो मेरा फर्स्ट वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने हेयर ऑयल रखा है और ये गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है जिसे हम स्किन के लिए भी, बॉडी केयर के लिए भी यूज कर सकते हैं और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको थिक हेयर चाहिए तो कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इन तीनों को मिक्स करके अपने हेयर में लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है अपना ऑयल। और यहाँ पे है जो बायोटिक का, जो हेयर सीरम का मैंने रिव्यू किया था इससे पहले वाली वीडियो में, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। यहाँ पे जो है मेरे बाबू का जो स्किन केयर है, और जैसे कि ऑयल, क्रीम, पाउडर, और यहाँ पे उसका जो बॉडी लोशन है, मैं उसको हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज करती हूँ, क्योंकि हिमालय के प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल भी रहते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें पैराबिन की मात्रा नहीं रहती है तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही कम रेट में मिल जाता है आपको। उसके बाद मेरे यहाँ पे बॉडी केयर, बॉडी लोशन का कलेक्शन है, तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, जो भी है यहीं पे है। तो यहाँ पे मैंने निबिया का रखा है, गुड वाइब्स का है, और यहाँ पे पैरासिट का है। तो ये ठंडी वाला है तो ठंडी में यूज होता है। और मैं तो अभी इस समय ये जो गुड वाइब्स का एलोवेरा, सॉरी ये तो सनस्क्रीम है, ये है गुड वाइब्स का लोशन, वही वाला मैं यूज कर रही हूँ इस समय। और बहुत ही अच्छा स्किन को नरिश करता है और एक बार लगा लो तो पूरे दिन इससे स्किन जो है मॉइस्चराइज रहती है, तो बहुत अच्छा है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ, आप चाहे तो वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेरा ये सनस्क्रीम है एलोवेरा वाला, गुड वाइब्स का ही है, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीम है, आप चाहे तो इसे यूज करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा ये सनस्क्रीम लगता है और इससे जो लगाने से ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मेरे यहाँ पे है गुड वाइब्स का क्रीम जो कि मैं आजकल यूज कर रही हूँ, केसर और मलाई वाला है, तो ये बहुत ही अच्छा नरिशिंग क्रीम है डे के लिए, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने दो तरह के गुड वाइब्स के जो है क्रीम यूज किए हैं, बट ये वाला मेरे को बेस्ट लगा। और ये है हिमामी का मलाई केसर क्रीम है। तो चलिए अब नीचे के सेक्शन में आ जाते हैं कि नीचे मैंने क्या क्या रखा है। तो यहाँ पे जो है मेरे फाउंडेशन कलेक्शन है, और ये एक जो है स्विस ब्यूटी का एलिमिनेटर है, आप लोग देखते ही होंगे मेरे वीडियो में, मैं यूज करती हूँ तो। और बाकी जो है ये पर्पल का फाउंडेशन है, वेट एंड वाइल्ड का है, मैक का है, और फिर ये जो है एमिन का बीबी क्रीम है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है मेकअप फिक्सर है एनवाइबे का, और ये जो है दो कंसीलर है एनवाइबे के, एक कंटोरल एक कंसीलर, और ये दो जो है यहाँ पे एनवाइबे का प्राइमर है, और पीछे जो है ये किस ब्यूटी का जो है प्राइमर है,
मेरे पास फिलहाल मैंने थोड़ा ही सा मेकअप कलेक्शन है, बट सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेकअप वीडियो आप लोगों को मेरी ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने मेकअप कलेक्शन खरीदना बंद कर दिया है। और ये मैंने 20 रुपीज का जो मेकअप चैलेंज किया था उसके लिए मैंने यहाँ पे पर्सोनी का जो है फाउंडेशन लिया था, ये 20 रुपीज के अंडर ही मिला था, ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये मेरा ब्रश कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही अफोर्डेबल ब्रश मैंने लिया था, अमेजोन से परचेस किया था। आप लोग चाहे तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल भी है और इसके जो ब्रिसल्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ब्रश के, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये एक कंसीलर है स्टेक वर्की का, और ये स्टेक वर्की का ही हाइलाइटर है, मैं इसे अक्सर अपने वीडियो में यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और ये जो दो है यहाँ पे पर्पल का स्टेक वर्की का कॉम्पैक्ट है, और ये एक स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं अक्सर अपने वीडियो में यूज करती हूँ इसे, तो ये स्विस ब्यूटी का है। और ये जो है ओरिफ्लेम का लूज पाउडर है, तो मैंने इस सब को जैसे कोई भी कंटेनर में नहीं रखा है, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है, अगर आपके पास ज्यादा कलेक्शन है तो आप स्टोरेज बॉक्स ले सकते हैं, आप चाहें तो अमेजोन पे बहुत ही अफोर्डेबल स्टोरेज बॉक्स मिलते हैं। और ये जो है मेरे हस्बैंड के, मेरे नहीं है, यूज नहीं होते हैं, वो परफ्यूम है तो इसको ऐसे ही रख दिया मैंने। और मेरा ये है परफ्यूम, मैं परफ्यूम ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास ज्यादा परफ्यूम का कलेक्शन नहीं है। और ये जो है वाओ का हेयर मास्क है, मैंने इसे एक बार यूज किया है और इस तरह पड़ा है, इसको भी यूज करना है। और ये मेरा है जो लिपस्टिक कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने सारे लिक्विड मैट लिपस्टिक रखे हैं। तो ये जो है एनवाइबे का 6 कलर का मैंने परचेस किया था लिपस्टिक कलेक्शन, सॉरी इसमें एक लिपस्टिक नहीं है, एक जो है कंसीलर है, तो ये इस डिपार्टमेंट में आ जाता है। और ये 6 मैंने किए थे, तो एक से मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ, तो एक हाथ से सूट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास 6 जो है एनवाइबे के लिक्विड लिपस्टिक है, इस तरह की पैकेजिंग में अंदर से आते हैं और ये ऊपर से कार्डबोर्ड की है, तो ये मेरे पास 6 है। और ये मेरे पास एनवाइबे की लिपस्टिक है मैट, इसमें मेरे पास 2 पीस है, एक रेड और एक ये पर्पल कलर का, उसके बाद जो है यहाँ पे ये लैक्मे का है, ये बहुत ही क्रीमिक इसकी कंसिस्टेंसी है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है मरून कलर का। और ये है, ये पर्सोनी का है, और ये एक जो है हमारे पास स्टेक वर्की का है बिंदास, इसका भी कलर बहुत अच्छा है, बट ये भी इसके भी कंसिस्टेंसी है जो क्रीमी है, मैट नहीं है, तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, बट ये एनवाइवे के जो है मैट लिपस्टिक है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को मैट लिपस्टिक लगाना, क्रीमी लगता है कि इधर उधर लग जाएगा। और ये जो हमारे पास है लिप लाइनर लिप क्रियोन, मेरे पास 2 एनवाइवे के लिप क्रियोन है इस तरह के, और ये बहुत ही सस्ता रहता है, और जिससे मतलब रेगुलर बेसिस पे आप कुछ हल्का लाइट लगाना चाहते हैं, ज्यादा हैवी नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए लिप क्रियोन ठीक रहता है। और ये एक मैंने लैक्मे का भी मंगाया था, आपको दिखाती हूँ अमेज़न से, बट पता नहीं ये लोकल है कि क्या, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा,
आप लोग मंगा के ट्राई कर सकते हैं, आप लोग को कैसा लगे। और ये जो एक किस लिप का है, ये भी बहुत ही अच्छा मैट लिपस्टिक है। ये मेरे पास ऑरेंज शेड में है और ये बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है। आप अगर अच्छा मैट लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं तो इसको परचेस कर सकते हैं। और ये सारे भी मैट लिपस्टिक हैं। तो ये था मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन। इतना ही नहीं, ये भी एक है लिपस्टिक का कलेक्शन मेरे पास। ये 5 वाला ग्लिटरी क्लचर का, मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया था। तो आप इसका रिव्यू चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। और ये ओरिफ्लेम का ब्लश था। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग में जो है बैंगल रखने के लिए पार्टीशन दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे जो है यूज जो थोड़े से खराब हो चुके हैं वही बैंगल यहाँ पे मैंने लगाया है। और मैंने बॉक्सेस में रखे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी धूल मिट्टी चढ़ जाती है। तो ये उतने भी खराब नहीं हुए, अभी चाहो तो एक दो बार यूज हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लगा दिया है। तो ये बैंगल कलेक्शन है। और यहाँ पे जो नीचे है, मैंने यहाँ पे VLCC का गोल्ड फेशियल की टेक रख दिया है। और ये सिंदूर, और एक यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अमेजोन से परचेस किया था मिक्सिंग प्लेट टाइप का है DIY बनाने के लिए, तो ये वो है अमेजोन से मैंने परचेस किया था। और ये सीजर है, यही सब यहाँ पे है। अब आ जाते हैं नीचे सेक्शन में। तो नीचे मैंने यहाँ पे जो है पूरा अपना स्किन केयर प्रोडक्ट रखा है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पतंजलि का एलोवेरा जेल, जो कि मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट है और अफोर्डेबल भी रहता है, तो मैं इसे ज्यादा यूज करती हूँ पतंजलि का। और ये जो है हिमालय का पील ऑफ मास्क है। और यहाँ पे मैंने मैंगो हिबाना जेल गुड वाइब्स का है, और ये गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल है। और ये जो है एक्सेंशियल ऑयल है, लेवेंडर एक्सेंशियल ऑयल, लेमन एक्सेंशियल ऑयल, और ये सारे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट। और ये जो है गुड वाइब्स का जो रोज हिप सीरम आता है, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, तो मैंने दो मंगाया है। तो एक ये रहा और एक ये जिसे मैं यूज करती हूँ। इसको लगाते ही दो बूंद अपने स्किन पे लगाओ, एक अच्छी सी लाइट आ जाती है। और मैंने यहाँ पे एक गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम मंगाया था, बट मेरे को ये ब्राइटनिंग फ्रेश सीरम है, बट इतना अच्छा नहीं लगा, मैं इसको कम ही यूज करती हूँ, बट रखा है। तो मेरा ये वाला जो है ऑल टाइम फेवरेट है रोजिप सीरम गुड वाइब्स का, तो आप इसे चाहे तो परचेस कर सकते हैं। और इसको आपको ब्राइटनिंग चाहिए तो ये परचेस कर सकते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आता है स्किन पे, तो स्किन हेल्दी दिखती है इससे। और ये है गुड वाइब्स का रोज टोनर, और ये है गुड वाइब्स का रोज स्क्रब, और ये है गुड वाइब्स का पपाया फेस मास्क। इन सभी का रिव्यू मैंने शेयर किया है चैनल पे, और इसके साथ स्किन केयर भी शेयर किया है, आप लोग चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये था गुड वाइब्स का जो मल्टी विटामिन फेस क्रीम, ये भी मैंने ट्राई किया था, इसका भी रिजल्ट अच्छा था, बट वो डे नर्सिंग क्रीम इससे ज्यादा। तो ये गुड वाइब्स का बॉडी स्क्रब है, अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी दिखाना चाहते हैं, थोड़ा एक अच्छा सा ग्लो लाना चाहते हैं, तो आप चाहे तो गुड वाइब्स के बॉडी स्क्रब यूज कर सकते हैं वीक में एक बार। तो बॉडी को स्क्रब करने से जो है एक अच्छा सा ग्लो आता है, तो आप ये ले सकते हैं, आपकी मर्जी। और ये है गुड वाइब्स का वेट ग्राम नाइट क्रीम, ऑलमोस्ट मैं इस समय जो स्किन केयर यूज कर रही हूँ सारे गुड वाइब्स के हैं, और मेरे फेवरेट भी हैं क्योंकि ये बजट में भी आते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी मिलता है।
और ये है गुड वाइब्स का चारकोल फेस मास्क। तो ये थे मेरे स्किन केयर, और ये मैंने DIY के लिए मंगाया था गुड वाइब्स और गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर है। और एक यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया है। तो आ जाते हैं इधर वाले साइड, तो इसमें मेरे जितने भी आईलाइनर मस्करा यही सब है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास NYB के दो लिक्विड कलर वाले लाइनर है, जिसका मैंने रिव्यू शेयर भी किया था चैनल पे। तो एक मेरे पास ब्लू है, एक और ग्रीन है, और ये है एक्सिस ब्यूटी का जेल लाइनर, और साथ में इसमें आईब्रो पाउडर भी दिया गया है। तो ये एक मेरे पास है हाई टीच का आईलाइनर, और एक ये NYB का ही लाइनर है मेरे पास लिक्विड, और ये मेरे पास NYB का ही लाइनर है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आराम से 4-5 घंटे टिकता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और ये मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला कलेक्शन। तो ये मेरे पास है पर्पल का जो है दो मस्कारा है, दो पर्पल का मस्कारा है, और ये एक स्केच लाइनर है, और ये जो ब्लू हेवन का मस्कारा है, और ये NYB का ही। थोड़ा सा एक हाथ से शूट करने में जो प्रॉब्लम हो रही है तो इसको माइंड मत करिएगा। ये है NYB का ही वाइट काजल, और ये है आई ड्रामा का काजल, और ये है NYB का ही आईब्रो पेंसिल, ये NYB का काजल है मेरे पास ब्लैक कलर का, और एक ब्लू कलर का भी मेरे पास है था NYB का काजल। तो ये मेरे काजल और मस्करा, और ये आईलाइनर, और ये मेरे पास एक मिरर है जिसे मैं वीडियो शूट करने के समय देखती हूँ, और ये बहुत ही सस्ते वाले जो मैंने 20 रुपीज चैलेंज करने के लिए लाइनर मस्कारा काजल लाई थी वो सब है। तो ये वाला सेक्शन भी आपने ऑलमोस्ट देख लिया। ये पीछे जो हमारे तरफ आलता कलर होता है वो मैंने एक दो रखा है, और ये पाउडर है दो, और ये रूम स्प्रे है, ग्लिसरीन है। तो ये वाला भी कलेक्शन खत्म होता है। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं अपने ड्रॉ में, इसमें हमने क्या रखा है। तो ये सब है मेरे ज्वेलरी कलेक्शन, जिसका ऑलमोस्ट रिव्यू मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये मेरा इयररिंग है, और ये भी इयररिंग कलेक्शन है मेरा, ये भी इयररिंग है, और ये भी इयररिंग है। मैंने इसे छोटे छोटे डिब्बों में करके रखा है, जो कि ज्वेलरी के साथ ही ऑलमोस्ट आती है। और ये मेरा शादियों में चूड़ी के नीचे पहना जाता है, पता नहीं मुझे याद नहीं है उतना। और ये है मेरा पेंडेंट सेट, रुकिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये भी मेरा इयररिंग है जिसे मैं वीडियो में यूज करती हूँ, ये मेरा एक पेंडेंट सेट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका चैन जो है खराब हो चुका था, तो मैं इसे गोल्ड की चैन के साथ वेयर कर लेती हूँ। और ये जो है हेयर क्लिप है, जो कि जूड़ा वगैरह में लगाने पे बहुत स्टाइलिश दिखता है, और ये भी इयररिंग है, मतलब सारे इयररिंग है, और ये क्लिप, ये जो पेंडेंट सेट का इयररिंग है, यही सब है इसमें। और ये कमरबंद है,
और ये भी इयररिंग है इसमें भी, ये वॉच का वॉच के साथ आया था तो उसमें मैंने रख दिया है, और ये एक मेरे पास गले का है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं सारे ज्वेलरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये नेक पीस है, यही सब है, ये भी नेक पीस है, ये भी नेक पीस है, सारे नेक पीस है, ये भी नेक पीस है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं अब नीचे का आप लोगों के साथ ड्रॉ शेयर करती हूँ। तो इसमें मेरे जितने भी आई शेडो पैलेट हैं, तो ये मेरे पास 7 CR का है, फिर ये कलर बार का है, स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, इसमें बहुत सारे कलर आ जाते हैं, बहुत सारे अफोर्डेबल भी है बहुत। और ये मैंने वेट एंड वाइल्ड का लिया था, और ये भी मेरे पास लॉरियर का है, ये किस ब्यूटी का मेरे पास कंसीलर कंट्रोलर पैलेट है, इसको भी मैंने उसी में रखा है। फिर ये मेरे पास एक है स्विस ब्यूटी का ग्लिटरी आई शेडो पैलेट, और ये मेरे पास एक हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, और ये मेरे पास एक मोरफिल हिल का आई शेडो पैलेट है जिसमें बहुत सारे कलर आए हैं। तो ये मेरे पास एक कलेक्शन है। तो मेरे पास इतने ही आई शेडो पैलेट के कलेक्शन है जिसको मैंने, तो मैंने इसे ऐसे कार्डबोर्ड में रख दिया है। आप चाहे तो इससे जो ऐसे ऐसे बॉक्स आते हैं ऑर्गेनाइजर के लिए, तो उसमें रख सकते हैं आप। और मैंने एक नोवा का जो हेयर कर्लर मंगाया था आप लोगों के साथ, इस पर रिव्यू मैंने शेयर भी किया था, तो ये कर्ल अच्छे से करता है, स्ट्रेट उतने अच्छे से नहीं करता है। और ये भी मेरे पास कुछ बैंगल ज्वेलरी ही है, इस तरीके पेंडम यही सब है इसमें भी। और ये जो है मिक्सअप है, इसमें हर चीज आपको मिलेगी। ये जो नेट का डोनट है हेयर स्टाइल करने के लिए, और ये बीट का जो वैक्स स्ट्रिप्स था, और ये कुछ बिंदियां हैं मेरे पास, मैं बिंदी उतना लगाती नहीं हूँ तो उतना कलेक्शन मेरे पास है भी नहीं, था शादी के समय सब बर्बाद हो गया इसलिए अब ज्यादा नहीं खरीदती। और ये जो है नेल फाइलर है, फिर ये जो 10-10 रुपए वाला क्रीम मैंने खरीदा था मेकअप चैलेंज के लिए, और फिर ये मेरे पास हेयर पिन वगैरह है, जितना जूड़ा पिन हेयर पिन साड़ी पिन सब इसमें है। और ये एक पफ बनाने के लिए मैंने 2 का सेट खरीदा था, तो इसमें एक कहीं गायब हो गया है, एक बचा है। और मेरे पास ये नेल पेंट वगैरह है, नेल पेंट भी उतना बाबू की वजह से या फिर वीडियो की वजह से मुझे लगाने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने ज्यादा रखा भी नहीं है और फ्रिज में रखा है। और ये मेरे पास कुछ ग्लिटर सिमर वगैरह है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। फिर ये सिंदूर वगैरह है, ये भी खत्म हो गया है मेरे पास। विटामिन ई की कैप्सूल, ये ग्लू, और ये आईलैशेस, यही सब है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, ये मिक्सअप है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ड्रेसिंग टेबल और मेकअप कलेक्शन भी अच्छा लगा होगा, और मैंने जैसे रखा है ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा लगा होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, सी यू सून। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ड्रेसिंग टेबल का टूर कैसा लगा। बाय बाय, लव यू, सी यू सून।